यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं का अनादर हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, उसको लेकर आम जन में असंतोष व्याप्त है। मामला क्या है और किस तरह से विरोध आम जन कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मंच पर महिला का हुआ अपमान, आप देख रहे हैं यह दृश्य मुजफ्फरपुर का है और इस दृश्य में आप देख रहे हैं यह महिला मॉडल जो कि नेशनल हेयर कटिंग सेमिनार में मॉडल के रूप में या मंच पर बैठी हुई हैं और इसी महिला का अपमान जावेद हबीब ने किया है जो कि मशहूर हेयर कटिंग में अपने आप को मास्टर मानते हैं और ये जावेद हबीब आ रहे हैं मंच पर चलते हुए और किस तरह से महिला का अपमान करते हैं। महिला का अपमान ही नहीं, उसको दो बार धकेलते हैं उसके सिर को। आप देखें जावेद हबीब किस प्रकार इस महिला के सिर को धकेल रहे हैं, बार बार धकेल रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि इस महिला के सिर के बालों पर ये थूक भी रहे हैं। और जिस तरह से इस महिला का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है, इस तरह के अपमान को लेकर देश भर में महिलाओं के संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है और सलोन से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उन्होंने भी जावेद हबीब के इस कृत्य को निंदनीय माना है और विरोध स्वरूप वे काली पट्टी बांधकर सलोन में काम करने का निर्णय किया है। एक बार फिर गौर से देखें आप इस वीडियो को और किस तरह से जावेद हबीब इस महिला का अपमान कर रहे हैं, बालों पर थूक रहे हैं या उसके सिर को धकेल रहे हैं, किस प्रकार से विरोध हो रहा है इस कृत्य का। देखिए किसने क्या कहा और किस तरह से विरोध कर रहे हैं जावेद हबीब का। पहले एक बार फिर पूरा वीडियो आप गौर से देख लें। अगर मंदी इसे हो गई ना, क्लाइंट कंट्रोल में है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, कुछ नहीं पा रहा, तो हमारी समस्या क्या होती है, मंदी खाते हो। पहले इसको कंट्रोल करेंगे। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं, शैंपू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है, ये धूप ही मार रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो है मुजफ्फरनगर का, जिसमें हमारे देश के जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब स्टेज पर हैं और महिला का एक मॉडल का हेयर कट कर रहे हैं। हेयर कट करते वक्त महिला को धक्का देते हैं दो बार तीन बार और जिससे कि वो महिला एडिटेड होती है। उसके बाद वो सेंटर पार्टिंग करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, जितनी भी महिलाएं जो स्टूडेंट्स बैठी हैं उनको ये बताते हैं कि यदि आपके बाल में शैम्पू नहीं है और गीले नहीं है तो आप अपना थूक कर उन बालों को गीला कर सकते हैं। इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहा है उनके एक सेमिनार का, उसका मैं अशोक पालीवाल
जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, निंदा करता हूँ, इस काम की भर्त्सना करता हूँ कि ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, हमारे बिजनेस में ये नहीं सिखाया जाता है। हम कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बालों को थूक से नहीं, शैम्पू से गीला करते हैं, पानी से गीला करते हैं। तो इस तरह की जो बात एजुकेशन की, इस तरह के मजाक की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से, इस तरह के सेमिनार्स का बॉयकॉट करें। और जावेद अबीब सर से मैं कहना चाहता हूं, सर प्लीज, आप काफी लोगों के गुरु हैं, आपको इस काम के लिए, इस तरह के मजाक के लिए, इस तरह की हरकत के लिए आपको देश के तमाम हेयर एक्सपर्ट से माफी मांगनी चाहिए। बस मेरी यही आपसे अपील है और आम लोगों से, हेडर्स से अपील है, कोई भी अपनी तरफ से अपशब्द ना बोलें, किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं करें जिससे कि हमारा जो हेयर इंडस्ट्री है और हमारे जो हेयर ड्रेसर्स है वो बदनाम हो, कलाकार हमारे बदनाम हो। थैंक यू। उदयपुर राजस्थान से मैं मंजू शर्मा, जावेद हबीब के सेमिनार में जिस तरह से उन्होंने आज महिला के साथ में जिस तरह की हरकत की और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया और उसमें उन्होंने पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया है, तो उनकी इस हरकत को हमारी इंडस्ट्री कभी माफ नहीं करेगी और मैं उनकी इस हरकत का सख्त विरोध करती हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत सेन शोकलाकार मंडल के महामंत्री के तौर पर आप सभी के बीच एक बात रखना चाहता हूँ और मैं मीडिया से भी एक निवेदन करता हूँ कि वो इस बात को सभी के सामने रखें, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है ये हमारे व्यवसाय से जुड़ी हुई है। महिलाओं को देखते हुए जो महिला पर जिस तरह से उन्होंने एक गंदी और एक बचकाना हरकत की है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ जावेद हबीब, जिन्होंने कल मुजफ्फरनगर में इतने बड़े एक सेमिनार में महिला पर थूका बालों के अंदर और उनके सिर पर भी दो तीन बार मारा, इस तरह से जो उनकी हरकत थी वह बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही शर्मनाक थी। मैं घोर निंदा करता हूँ इस तरह की हरकत का और मैं चाहता हूँ और मैं मेरी तरफ से, मैं सेंशो कलाकार मंडल की तरफ से, उदयपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से आप सभी के बीच एक बात रखना चाहता हूँ कि जावेद हबीब को सभी के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस हिसाब से उन्होंने जो हरकत की है, मैं महिला शक्ति से भी बोलूंगा कि वो इनका घोर विरोध करें और इस तरह की जो हरकत हुई है इसका कुछ न कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आए जिससे हमारी एकता, हमारे व्यवसाय से जुड़ी हुई, इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो चीज कल हुई है उसको दोबारा कोई ना कर सके, किसी की हिम्मत ना हो और महिला शक्ति का इस तरह से जो इन्होंने यूज किया है, इस तरह से जो हरकत की है यह दोबारा कभी ना हो। मैं मीडिया कर्मियों से और मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ, शहनशाह कलाकार मंडल उदयपुर में जिस व्यवसाय से सभी जुड़े हुए हैं, ये सब पर एक तरह से आत्मग्लानी वाली बात है। महिलाओं के साथ जो चीज उन्होंने की है बहुत ही शर्मनाक है और मैं इस बात को सभी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जावेद हबीब को सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक रूप से। अच्छे वालों के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छे वालों के लिए मां, मैं पता क्या बोलता हूँ, अच्छे वालों के लिए एक वर्ड स्वच्छ केयर, जितने बाल हमारे साफ होते हैं ना हम इस पे काम करेंगे। आज हमारी यही वही वही मॉडल है, सुबह से काम करके नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉडल नहीं है। देखो हमारी सी एस पी रैंक, तो मेरा पहला पॉइंट है क्या, और जब मुंडी नीचे हो गई ना, क्लाइंट कंट्रोल में है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, पूछ नहीं पा रहा,
तो हमारी स्पेशल क्या होती है, मंडी खाते हुए पहले इसको कंट्रोल करेंगे। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं, शैंपू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना अबे इस धूप में जान है, ये धूप की मात्रा आजकल